गढ़शंकर शहर के मुख्य बस स्टैंड की खस्ता हालत कारण लोगों की परेशानी का कारण बनिया होया है, क्योंकि ना तो इत्थे यात्रियों लिए कोई सहूलत का प्रबंध है अते ना ही इत्थे कोई बस रुकती है। भावें जम्मू श्रीनगर तो लैके चंडीगढ़ समेत अनेक शहरों इत्थों बसा लंघदियां, पर कोई भी बस इत्थे ना आउण कारण लोगों नूं भारी परेशानी का सामना करना पैंदा है। बस अड्डे की खस्ता हालत अते सालों तो समय दियां सरकारां दी अणदेखी कारण खंडर का रूप धारण कर चुकी है। इस संबंधी समाज सेवी हरदीप चौहान, ओंकार चाहलपुरी अते सतीश कुमार सोनी ने सरकारां नूं अपील करदिया कहा कि बस अड्डे की सार लैके इस नूं दुरुस्त किया जाए अते सारियां बसां दा बस अड्डे अंदर आउणा जाणा यकीनी बनाया जाए तां जो इलाके दे लोकां नूं इस बस अड्डे का लाभ मिल सके। इस टाइम खड़े हाँ गढ़शंकर के पुराने बस अड्डे पर, तुम देख सकते हो सारा खंडर बनया पाया, इतने कोई इट नहीं लगी हैगी, कोई बैठने लिए टेबल नहीं हैगी, कोई बसा अंदर नहीं आदि, इतने बाथरूम का माड़ा हाल है। जाने के सानू देखदू इतने 30 से 40 साल हो गए तो जाने के ना तो इतने कोई इट लगी है, ना कोई इतने किसी भी तरह का कोई भी सुधार होया है। जाने के जड़ियाँ बसा भी या गढ़शंकर तो जाया हुशियारपुर जा हुशियारपुरों नवें शहर में जाए, कोई भी बस जी जाने के अंदर नहीं इतने बस स्टैंड एंटर होंगी आ, लोग बसा वाले अपनी मन मर्जी करते, जाने के सवारियां भी जड़ियाँ बड़िया खज्जल होंदिया आ, जड़ियाँ इतने बस स्टैंड से दुकाना बनिया आ उन्होंने भी बड़ी माड़ी हालत आ। जाने के लोगों को बड़िया आसा आ भी लोगों ने बदलाव लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार लिया तो लोगों हम आस भी आ तो इस जो बस स्टैंड है गढ़शंकर का इस कोई सुधार किया जाए तो जड़िया बसा मेन रोड से ट्रैफिक जाम रहा है तो उदा भी कोई हल हो सकता जेकर बसा अंदर आन तो लोगों के बैठने लिए टेबल किसी भी तरह के जाने के जो भी है वह जो बाथरूम की माड़ी हालत तो इन्हों का सुधार होर भी जड़िया ना पानी लोगों को पीने मिलता है वह भी जाने के वाटर कूलर का कोई ना कोई हल कढ़िया जाए तो इतने जोड़ा जाने के पूरा सुधार किया जाए, बसा अंदर आईया जा जी ट्रैफिक है वह हल हो सकता है जेकर बसा आन तो सारिया सवारियां अंदर खड़ा। मैं गढ़शंकर के मुख्य बस स्टैंड पर खड़ा हाँ जिथे कि पब्लिक की सहूलत कोई भी चीज़ नहीं हैगी, ना तो इस बस अड्डे के अंदर कदे कोई असी बसा की देखी है, तो पुलिस वाले ने भी इन्हों कबाड़ का अड्डा बनाया होया, कबाड़ दी गड्डियां इत्थे खड़ियां अंदर एक्सीडेंट हो गड्डियां चक के अंदर इत्थे खड़ियां कीतियां आ, बाथरूमां च भी कोई साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं हैगा, यात्रियों लई पीण वाले पानी का किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं हैगा। जदों दी असी होश संभाली आ इह अड्डा इसे तरह उजड़िया देखिया असी, तो असी जिहड़ी आ प्रशासन तो मांग करदे कि इस होर विशेष तौर पर ध्यान दिता जाए, इस बस अड्डे नूं चालू किया जाए, पब्लिक की सहूलत लिए सारिया इतने जड़िया जिन्या भी सहूलत वो रखिया जा, पीण वाले पानी का बंदोबस्त किया जाए, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। लोगों ने इतने जोड़े आ नशे के अड्डे बनाए हुआ, लोग नशे करते अड्डिया च बैठ बैठ के रात को, तो असी जोड़े आ प्रशासन तो पुरजोर मांग करते हैं कि इस और विशेष ध्यान दिता जाए, तो जिन्या भी बसा बहरों जानिया वह सारिया अड्डे के बिचों जानिया चाहदिया आ, इस ही जड़े दुकाना अंदर बनाई गई उन्होंने भी ठेके से चढ़ा के सहूलत उन्होंने भी जड़ा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ते उन्होंने दुकाना भी ठेके से दिता जाए, इन्ने कुछ अभी सरकार तो मांग करते हो। जय। मैं सतीश कुमार सोनी फाउंडर बैडे आधार सोशल वेलफेयर सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब, अज असी मेन बस गढ़शंकर के मेन बस स्टैंड से खड़े हाँ। अज तो साढ़े देखा जाए 25-30 साल पहला बहुत वधिया ढंग सा बस स्टैंड चलता सी, इत्थे हर शहर न जो हाईवे चलता कि जम्मू कश्मीर तक भी इतों बसा जा, हर पिंड वाले सहूलत सी। अज पिछले समय तो काफ़ी समय तो देखा जा रहा है कि यह बस स्टैंड तो कोई भी एक इट भी नहीं लगी, पिछलियां सरकारां भी ऐलान करते रहे कि इन्ने पैसे भेजते हो, एक भी इट ना लगने कारण इस वेल ये बस स्टैंड साडा खंडर बन चुका है, ना इतने पानी की सहूलत है, ना बैठने को बेंच आ। असी देखते हैं नवां शहर बंगा तो होर बड़े बड़े शहरों के बड़े बहुत विकसित बस स्टैंड है, साढ़े गढ़शंकर को बहुत ही पछड़िया करके रख दिता है सरकार ने। अभी बेनती करते हाँ कि मैंने बस स्टैंड के वाल ध्यान दिता जाए, आम आदमी पार्टी सरकार है जो ऐलान करती है अभी बहुत ही सहूलत दे रहे हैं, पर जे सहूलत ऐलान में ही रह जाए तो बस स्टैंड साढ़े कुआड़खाना बन के रह गया, टुटिया भजिया गड्डिया इतने खड़ी रहा, मतलब इतने कोई भी सहूलत नहीं है,
कृपा करके इस बस स्टैंड पर ध्यान दिया जाए ता आने वाले लोगों को सहूलत मिल सके।